हेलो, अ वेरी वेरी वॉर्म वेलकम वेलकम टू आई फी एस एप्टीट्यूड। सो आई होप एवरी वन इज़ ऑल राइट एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन वेरी वेल। तो ये जो सीरीज़ है हमारा जनरल एप्टीट्यूड लास्ट मंथ पावर डोज, ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और ये आपके रिविजन में आपका हेल्प करेगा और साथ ही साथ बूस्टअप करेगा आपकी प्रिपरेशन को। तो आज लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम यहाँ पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो पजल्स के जो सवाल हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, किस तरह से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और किस तरह सवाल आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज हम सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड, यानी कि एक सर्कुलर टेबल, एक रेक्टेंगुलर टेबल और एक रो में कुछ पर्सन बैठे हैं, तो इस तरह के सवाल यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा आप सभी से कि आप लोग हर एक क्वेश्चन के लिए मैं जो 2 मिनट का समय आपको दूंगा, उस 2 मिनट के समय में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए खुद से ऑनेस्टली, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिए कि आपने विद इन टाइम उस क्वेश्चन को बनाया है कि नहीं। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, तो आप उसको जरूर बना लोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन को पढ़ा करिए कि भाई आखिर क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, आखिर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछ रहा है। टेक योर टाइम, टेक 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन एंड अप्लाई योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाएं और मुझे इसका आंसर करें, फिर हम देखते हैं किस तरह से इसको बेस्ट अप्रोच से किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। व्हाट इज द क्वेश्चन? नाउ क्वेश्चन इज, एट फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सीटेड इन अ सर्कुलर इन अ सेंटर फेसिंग द सेंटर, यानी कि सर्किल के अराउंड 8 लोग बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। डी इज बिटवीन बी एन जी एंड एफ इज बिटवीन ए एन एच, 8 लोग कुछ इस तरह से बैठे हैं, ठीक है, 6 हो गए और ये हो गए 7। डी इज बिटवीन बी एंड जी, डी बैठा है बी और जी के बीचों बीच में और एफ बैठा है ए और एच के बीच में। ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, यहां से स्टार्ट करा जा सकता है इसको, ई इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ये अगर सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो ई कहाँ पे है? सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट, यहाँ पे ई है। अब देखो ए एफ एच, ए और एच के बीच में एफ है, ए एच अगर यहाँ पे बैठेगा तो बीच में एफ यहाँ पे बैठना चाहिए, लेकिन एच यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है एफ यहाँ पे बैठेगा एच यहाँ पे बैठेगा, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हो गया। बी और जी के बीच में डी है, बी और जी के बीच में डी है, देखो बी यहाँ पे या यहाँ पे बैठ सकता है, अगर बी यहाँ पे बैठेगा तो फिर जी यहाँ पे बैठेगा, फिर डी यहाँ पे बैठेगा, हो सकता है अगर जी यहाँ पे बैठेगा और बी यहाँ पे बैठेगा तो डी यहाँ पे बैठेगा, तो बी की 2 पॉसिबिलिटी है। अब जरा ध्यान से देखें,
डी इज बिटवीन बी एंड सी एंड ये इतना ई सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ई सेकेंड टू द राइट ऑफ ए. नाउ विद द फॉलोइंग इज ए पोजिशन, ए की पोजिशन क्या है, लेफ्ट ऑफ ए की पोजिशन क्या है, एक लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में है, नहीं ये गलत है, राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में है, बिल्कुल भाई ये कहाँ पे है, एफ के राइट में है. बाकी बी और जी की पोजिशन अगर हमें फिक्स नहीं पता है फिर भी हम इसका आंसर कर सकते हैं क्योंकि हमसे ए की पोजिशन पूछा है जो कि एफ के राइट में है. बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी. इज इट क्लियर? तो अगर ये समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ. देखो सवाल कैसा भी हो सकता है, बहुत आसान से आसान और कठिन से कठिन, बस आपको देखना है कि भाई कि उस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया जाए. दो मिनट का समय लें, कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो टेक योर टाइम. तो आई होप क्वेश्चन हो गया होगा. हमसे कह रहा है इन अ रेस फाइव ड्राइवर्स वर इन द फॉलोइंग सिचुएशन, पांच ड्राइवर हैं कुछ इस सिचुएशन में है. एम इज फॉलोइंग वी, एम क्या है, वी को फॉलो कर रहा है. लेट्स से ये रेस इस डायरेक्शन में लोग भाग रहे हैं, रेस कर रहे हैं. एम वॉज फॉलोइंग वी, एम क्या कर रहा है, वी को फॉलो कर रहा है. तो ऑब्वियसली वी आगे होगा, एम पीछे होगा. आर वॉज जस्ट अहेड ऑफ टी, आर कहाँ है, आर कह रहा है जस्ट अहेड है, टी से जस्ट आगे है इस तरह से. एंड के वॉज द ओनली वन बिटवीन टी एंड वी, के कहाँ पे है, के वॉज द ओनली वन बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में, टी और वी के बीच में कह रहा है के है केवल. तो ऑब्वियसली टी और वी के बीच में ऐसे के बैठेगा, आगे तो बैठेगा नहीं क्योंकि इसके जस्ट आगे तो आर है, तो इस तरह से बैठ गया. तो वी के आगे के, फिर टी, फिर आर, तो पांच लोग हो गए, पांच लोग ऐसे रेस कर रहे हैं. हु वॉज द सेकेंड प्लेस एट द इंस्टेंट, सेकेंड प्लेस पे कौन है भाई, सेकेंड प्लेस पे है टी. इतना आसान सा सवाल पूछा गया है, बताइए ये सर ने. तो पजल्स के क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ठीक है. सवालों को बना ले. नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, टेक योर टाइम अगेन, यू हैव टू मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन. अप्लाई योर ब्रेन एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन.
तो इस तरह के सवाल मैं पहले भी आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, तो इसको देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ आर थ्री कपल्स सिटिंग अराउंड टेबल, यानी कि एक टेबल के अराउंड छः लोग बैठे हैं। डी इज़ टू द राइट ऑफ ए एंड बी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि डी क्या कह रहा है डी के बारे में, डी इज़ टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में कौन है, डी है। बी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी कहाँ पे, सी के लेफ्ट में। अब कह रहा है एफ एंड डी, बी एंड ई आर टू पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब कह रहा है एफ के सामने अपोजिट कौन बैठा है, डी बैठा है। बी के सामने यानी कि अपोजिट कौन बैठा है, ई बैठा है। तो देर आर सिक्स पर्सन, छः लोग हैं यहाँ पे इस तरह से। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि ए के राइट में कौन है, ए के राइट में यहाँ पे डी है। और साथ ही साथ हमसे कह रहा है कि एफ के सामने डी है, तो डी के सामने क्या होगा, यहाँ पे एफ होना चाहिए ऑब्वियसली। अब कह रहा है बी के सामने ई है, बी के सामने ई यहाँ तो हो नहीं सकता, ना यहाँ पे हो सकता है, तो ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, बी के सामने ई फिर यहाँ पे होगा। अब बी यहाँ पे होगा तो ई यहाँ पे होगा, अगर ई यहाँ पे है तो भाई बी यहाँ पे होगा, या तो ई बी होगा या बी ई होगा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। अब देखो क्या कह रहा है, सी के लेफ्ट में बी है, अगर सी यहाँ पे बैठेगा तो उसका लेफ्ट कौन होगा, फिर यहाँ पे होगा, तो सी के लेफ्ट में बी यहाँ बैठ सकता है। अगर बी यहाँ पे बैठेगा तो सी यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका लेफ्ट यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली फिर सी यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा। तो ई यहाँ से हटाइए, ई यहाँ से हटेगा और बी यहाँ से हटेगा, तो दिस विल बी द कंप्लीट फिगर, कंप्लीट अरेंजमेंट। अब सवाल क्या पूछ रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी बैठेगा। एफ के लेफ्ट में कौन है, एफ के लेफ्ट में है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में कभी भी कहता है तो एक अरेंजमेंट आप बना लो, जैसे कि ए और डी का मैंने बना लिया, फिर मैंने देखा भाई इससे जो कनेक्टेड अरेंजमेंट है वो क्या बन सकता है। अब हमको दे रखा है कि डी के सामने एफ है, तो जैसे ही हमें पता है ए से डी कनेक्ट है और डी से फिर एफ कनेक्ट है, तो ये कनेक्शन से हमारा डायग्राम यानी कि जो अरेंजमेंट है वो आसानी से बन रहा है। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो टेक योर टाइम अगेन, यू हैव टू मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, दो मिनट या तीन मिनट ले लो आप, लेकिन इस क्वेश्चन को खुद से आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। दो से तीन मिनट का समय लो और इसको खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करिए भाई। चलिए तो आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा, बताइए एनीवन जिससे क्वेश्चन नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो देखो।
क्वेश्चन की लेंथ को आप जज मत करो। देखिए कह रहा है सेवन कार्स पी क्यू आर एस टी यू वी आर पार्क इन अ रो नॉन नेसेसरी इन द ऑर्डर। द कार टी, क्या लिखा है, द कार टी एंड यू शुड बी पार्क नेक्स्ट टू इच अदर, यानी कि टी और यू कार एक दूसरे के नेक्स्ट यानी कि अड़ोस पड़ोस में होनी चाहिए, अगल बगल में होनी चाहिए। द कार एस एंड वी ऑल्सो शुड बी पार्क नेक्स्ट टू इच अदर। अब क्या कह रहा है, एस और वी भी एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी। वेर एस पी एंड क्यू कैन नॉट बी पार्क नेक्स्ट टू इच अदर। अब कह रहा है पी और क्यू नेक्स्ट टू इच अदर पार्क नहीं होंगी, पी एंड क्यू कैन नॉट पार्क नेक्स्ट टू इच अदर, क्यू एंड एस मस्ट बी पार्क नेक्स्ट टू इच अदर। अब कह रहा है क्यू और एस एक दूसरे के एडजेसेंट पार्क होंगी। फिर कह रहा है आर इज पार्क टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी। इमीडिएट राइट ऑफ वी का मतलब यहाँ पे आर के इमीडिएट राइट में कौन है, आर है। आर इज पार्क टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी। टी इज पार्क टू द लेफ्ट ऑफ यू। टी इज पार्क टू द लेफ्ट ऑफ यू। देखो यहाँ पे टी और यू के बारे में क्या कह रहा है, टी इज पार्क टू द लेफ्ट ऑफ यू। ऑब्वियसली टी के यू के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन होगा, फिर टी होगा। अब कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, इन चारों में से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहले तो हम अरेंजमेंट बना लेते हैं कैसे। देखो टी और यू यहाँ पे दे रखा है और कहीं भी नहीं दिया गया है। वी और आर यहाँ पे दे गया है और यहाँ पे एस और बी दे रखा है। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, वी यहाँ पे उसके राइट में आर और वी के एडजेसेंट कौन बैठा है, एस। तो वी के एडजेसेंट में आर बैठेगा, तो और कौन बैठेगा फिर, वी हमारा एस बैठेगा। इस तरह से बैठ गया तो एस वी हो गया और वी आर हो गया। और पी और एस एडजेसेंट है तो ऑब्वियसली एस के एडजेसेंट फिर पी यहाँ पे बैठ पाएगा, ये भी हो गया। अब टी और यू की दो पोजीशन है, टी और यू की दो पोजीशन है, या तो टी यू यहाँ बैठेगा इस तरह से या टी यू यहाँ बैठेगा, दोनों में से एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी टी यू की बन सकती है। अब देखो कह रहा है देर आर टू कार पार्क बिटवीन क्यू एंड वी। क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच में दो कार पार्क है। अब क्यू के बारे में क्या कह रहा था, अब देखो सॉरी यहाँ पे पी और क्यू की बारे में तो बात कर रहा है ना। अब जरा ध्यान से देखो, पी यू छोड़ो, अभी कह रहा है पी क्यू एक साथ नहीं बैठेगा, टी यू एक साथ ऐसे बैठेगा। अब टी यू क्या कह रहा है, पी क्यू के सामने में नहीं बैठेगा, यानी कि इस तरह से नहीं बैठ सकता, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो पहले टी और यू को बैठाओ, टी और यू अगर यहाँ पे बैठेगा एक बार और दूसरी बार इसको यहाँ पे बैठाओ, टी यू एक बार इधर बैठेगा, टी और यू एक बार इधर बैठेगा, दो पॉसिबिलिटी बन गई। अगर टी यू जब इधर बैठेगा तो क्यू की दो पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ है, क्यू की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं क्यू की। अब टी यू अगर यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे तो बैठेगा नहीं किसी भी हाल में, तो ऑब्वियसली फिर क्यू यहीं पे बैठेगा, यानी कि टी यू इस तरह से और ऐसे, यानी कि ये हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बन गई। अब कह रहे हैं देर आर टू कार्स पार्क बिटवीन क्यू एंड वी। क्यू और वी के बीच में दो कार पार्क है भाई, ऐसा तो ये गलत कह रहा है। कह रहा है हर हाल में क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट होना चाहिए, यानी कि ये गलत है, तो ऑब्वियसली ये गलत है। तो कह रहा है वी इज द ओनली कार पार्क इन बिटवीन। अब सेम चीज़ को यहाँ भी चेक कर सकते हो, बिकी क्यू और वी के बीच में दो कार पार्क है भाई, ये भी गलत, यहाँ से भी गलत है, क्यू और वी के बीच में ये भी गलत है। अब देखो वी इज द ओनली कार पार्क इन बिटवीन एस एंड आर, कह रहे हैं वी केवल इकलौती ऐसी कार है जो कि एस और आर के बीच में है। ठीक है ये तो सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी ठीक है, ये तो ठीक है, यानी कि लेकिन आंसर नहीं होगा, हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये वैसे रॉन्ग है, अभी तक तो ये ठीक है। कार पी इज पार्क एट एक्सट्रीम एंड, पी एक्सट्रीम एंड पे पार्क है, ये भी ठीक है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। क्यू एंड आर नॉट पार्क टुगेदर, क्यू एंड आर नॉट पार्क टुगेदर, यहाँ पे तो एक साथ पार्क हो सकती है ना, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट हर एक हर पोजीशन में गलत है, क्यू और वी के बीच में दो पार्क होनी चाहिए कह रहा है, क्यू और वी के बीच में, क्यू और वी के बीच में दो कार यहाँ भी नहीं है, क्यू और वी के बीच में यहाँ भी नहीं है, क्यू और वी के बीच में यहाँ भी नहीं है, किसी भी पोजीशन में ये करेक्ट नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। लेकिन हर बाकी के जो स्टेटमेंट है वो किसी ना किसी पॉइंट पे वो चीज़ ट्रू है, हमसे क्या कह रहा है, इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो बहुत शानदार है, समझ में आया, एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। सो टेक योर टाइम, क्वेश्चन में जितना आप समय लगाओगे ना एग्जाम से पहले उतना आपके लिए अच्छा होगा, कि भाई आपके जो कॉन्सेप्ट है उतने ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे।
चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टेक योर टाइम 2 मिनट्स, फिर उसके बाद करते हैं हम एक्सप्लेन, और साथ ही साथ इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको मैं आपको घर के लिए दूंगा होमवर्क, और साथ ही साथ हम मंडे को लाइव आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो तब तक इस क्वेश्चन को करिए। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन कर लिया होगा आपने, बहुत आसान है। देखो 5% ए बी सी डी ई फॉर्म अ क्यू, यानी कि 5 लोग एक लाइन में लगे हैं, क्यू में लगे हैं। अब कह रहा है सी एन ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर, सी और ई क्या है, एक दूसरे के नेक्स्ट में है, यानी कि पड़ोस में है। सी एन ई क्या है, एक दूसरे के पड़ोस में है। ए हैज 1% अहेड ऑफ हिम, कह रहा है ए के आगे केवल 1% है, ए हैज 1% अहेड ऑफ हिम, ए के आगे केवल 1% है, तो फिर पीछे कितने होंगे, फिर 3 होंगे, यानी कुल मिला के 5। एंड हैज एटलीस्ट 1% सेपरेटिंग हिम फ्रॉम बी, और कह रहा है ए के, ए को जो सेपरेट कर रहा है बी से, वो कम से, कह रहा है कम से कम 1% है, तो ऑब्वियसली फिर ए और बी के बीच में 1% तो कम से कम होना चाहिए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई ए से एक से ज्यादा, यानी कि ये फिर 2 पॉसिबल भी हो सकते हैं, ए 2 छोड़ के बी, ए 1 छोड़ के बी, यानी कि हम सारे के सारे पॉसिबिलिटी के केस यहाँ पे ले लेंगे। अब ये भी हमसे कह रहा था कि सी और ई क्या है, नेक्स्ट टू ईच अदर है, सी और ई अगर एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे पड़ोसी तो बन नहीं पाएंगे, तो कहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे, तो सी इधर होगा तो इधर होगा, या हो सकता है इधर होगा तो सी इधर होगा, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन पहले वाला केस तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो बन नहीं सकता। अब सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली ट्रू, इन चारों में सर्टेनली ट्रू कौन सा है। अब कह रहे हैं ए एंड डी आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ए एंड डी आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ऑब्वियस ही बात है डी फिर कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, तो ये बिल्कुल सर्टेनली ट्रू होगा ये वाला स्टेटमेंट हर एक हाल में, यानी किसी भी कंडीशन में। अब सेकंड वाला देखो, ये सारे गलत होंगे, ए एंड ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर, कह रहा है ए एंड ई, ए और ई नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर केस में होंगे, कब, जब ई यहाँ पे होगा सी यहाँ पे होगा, लेकिन क्या होगा अगर सी यहाँ पे हो गया, तब वो गलत हो जाएगा, तो सर्टेनली ट्रू नहीं होगा, तब ये गलत हो जाएगा। डी एंड ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर, डी एंड ई आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ऑब्वियसली बात है तो हमें दिख रहा है किसी भी हाल में डी और ई नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं बन सकते, क्योंकि बीच में ए बैठा हुआ है। बी एंड सी आर नेक्स्ट टू ईच अदर, बी एंड सी, बिल्कुल बी और सी एक दूसरे के एडजेसेंट हो सकते हैं, नेक्स्ट टू ईच अदर हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में, लेकिन सर्टेनली टू वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो हर एक कंडीशन को एक बार चेक कर लिया करो आप लोग, क्योंकि पजल्स के क्वेश्चन में जो भी आपकी जो भी केसेस बनते हैं, एक एक करके वो केस एलिमिनेट होते चले जाते हैं, और लास्ट में एक ही केस बचता है जो कि आपका आंसर होता है, ठीक है। और ये लास्ट सवाल, इस सवाल का आंसर मुझे करना कमेंट सेक्शन में, तो 2 मिनट का आप समय ले लेना और 2 मिनट में मुझे इसका आंसर करना, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ये सेशन सीरीज जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, इसको अब हम लाइव शुरू करने वाले हैं मंडे से, यानी कि अपकमिंग मंडे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा 11 बजे एप्टीट्यूड चैनल पे, जिसमें हम एग्ज़ाम मैपिंग सीरीज शुरू कर रहे हैं फॉर CSI नेट अपकमिंग, जो आपका एग्ज़ाम है 6-7-8 तारीख को, तो वहीं पे बात करते हैं बाकी के, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।